చేరికి చేరా చేర్ మరకని చేర్ చేరా మై కోటికి ధాల్లా ఏర్ కేరా సంగవారి మల్లా జై జోహార్ జై ఛత్తీస్గఢ్ స్వాగత హై ఆప్ సబ్ జన్ కే అద్వైత ఎడ్యుకేషన్ మా ఔర్ మై ఆప్కా దోస్త్ తరుణ్ मैं आप मन के मितान खिलेश तिवारी आप सबो जनला छेड़छेड़ा के हमर अद्वैत एजुकेशन टीम के तरफ से गाड़ा गाड़ा बधाई। सर जैसे कि छेड़छेड़ा जब हमन मनाथन और ये पुष्प पुण्य दिन मनाया जाते तो एकर पीछे के कुछ ऐसे पौराणिक या फिर कुछ ऐतिहासिक मान्यता है का आपका हमर दर्शक मल्ला हमर स्टूडेंट मल्ला जितना भी हमला देखा थे मतलब कुछ बताना चाहो अगर पीछे कुछ कहानी हुई। अच्छा मोला एक चीज ये बताऊ कि जो छेड़छेड़ा पर्व है जो हमला मनाथन ऐसे माने जाता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जैसे कि पहला साल तो खैर 2022 मतलब 2022 से भी जनवरी भी स्टार्ट हुए तो जनवरी महीना माते ज्यादातर है ना तो ऐसे भी माने जाते हैं कि ये पहला त्योहार है छत्तीसगढ़ के सर है ना तो ओकर बारे में कुछ आप थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। सर अमर में मतलब छत्तीसगढ़ में बेसिकली सर दो टाइप से कैलेंडर चलते। अच्छा अच्छा ठीक सर एक तो जनवरी फरवरी वाले चलते हैं ओकर हिसाब से अगर देखा जाए तो सर ये हमारे पहली त्योहार होगी क्योंकि ये जो अभी चला थे सर वो पोष महीना और आज के जो दिन है सर वो पुन्नी के दिन बिल्कुल सर ऐसा देखा जाए तो एक है हरेली त्योहार बोला हमारे त्योहार के माध्यम से इसे देखे जाए जो सावन भादो ये वाले जो पंचांग के जो कैलेंडर चलते हैं सबसे वो पहली त्योहार है। मतलब हम ये मानते हैं कि जैसे कि एक हमारे जैसे कि धान बोई जब शुरू होते है ना औखा बाद जो पहली त्योहार आते काबर दोनों के जन बच्चे मतलब कंफ्यूजन रहते कि सर ये पहली त्योहार है कि ये पहली त्योहार है तो छत्तीसगढ़ की अगर ओला हम देखो तो हरेली पहली हो जाएगी और एक अगर अंग्रेजी महीना देखेंगे तो ये पुष पुन्नी पहली हो जाएगी। जी सर बिल्कुल सर एक पौराणिक अगर कथा अपन बात करा इतिहास के पन्ना ला अगर हमन कुरेदबो तो सर बिल्कुल। एक नाम आते सर जेकर नाम है रेवा राम। अच्छा, अच्छा, रेवा राम सर जो कलचुरी एक जन वंश ऋषि जो छत्तीसगढ़ में का है शासन करने से ठीक उकर बारे में सर रेवा राम बहुत ही सुंदर सुंदर चीज लिखी से तो उनमें सर हमारा पता चलते कि जो कलचुरी वंश है बहुत सारे ऐसे प्रतापी राजा हुई लेकिन एक जन महत्वपूर्ण में नाम हमारा दिखते होकर नाम है सर कल्याण सा। अच्छा चोही कल्याण सा जेकर गाथा सुनता कल्याण सा के गाथा वहाँ जो जितना भी लोग गीत रहते हमें उनका जिक्र भी जरूर सुनाई देते जी, जी, बिल्कुल, तो सर हो इसका है कि जो टैक्स रहते सर राजस्व उनका संबंधित थोड़ा से विवाद हो जाते सर। अच्छा, अच्छा। तो बुलाया जाते मुगल दरबार में सर मुगल दरबार में सर साक्ष्य तो नहीं मिले कि वो टाइम राजा कौन रही लेकिन इतना जरूर पता है कि सर मुगल दरबार में इला बुलाए जाते और 8 वर्ष तक सर छोटे मोटे वर्ष सर 8 वर्ष तक अपन दरबार में कैद रखी सब कई जन ऐसे बोलते हैं कि जो एक राजस्व प्रणाली रही ओकर बारे में भी मुगल मन बहुत कुछ सीखी से 8 साल तक किले सर रखी तो नाती नतरा लेकर मेरे खाल नहीं ऐसे ही जी वाला सर ओला तो ख्याल आसी सर लेकिन मुगल उस टाइम इतना मजबूत रही से कि नहीं, सर ये ओकर इच्छा के बिना यहाँ नहीं आ पाए ठीक ठीक पत्ता नहीं डोले बोले पत्ता नहीं डोले सर ओकर बाद का हुई से जब कल्याण सा है यहाँ वापस आई ओकर टाइम वो एक जन रानी रही जेकर नाम रही सर फुलकेना। अच्छा फुलकेना वो इतना प्रसन्न हो गए सर 8 वर्ष के बाद जब राजा ऐसे तो यहाँ पर दरबार में जितना सोन चांदी से सब लगा है वितरण करे चालू करे। अच्छा, अच्छा। और सर सौभाग्य के बाद ऐसे रही से कि सर वही टाइम में तो फसल है जब कटते इकट्ठा करके रखता तो फसल के जब लुवाई के बाद जब घर आई सर जो गाँव वाले रही से प्रजा रही से दोहरी खुशी हुई सर एक तो राजा वापस आई और फसल भी वापस आ रही से सर वही दिन से जब पोष के माह में पुन्नी के दिन सर छेड़छेड़ा अच्छा, जो प्रारंभ होके चालू है सर ये दिन का होते सर जितना नव युवक हमारे साथी में रहते गाँव के तो उमन सर एक दूसरा जितना सेठ मरवाड़ी घर है या आस पड़ोस से गाँव के सबों घर में जाते और जो हमारे शुरू में जो गाना गया है ठीक सर छेरिक छेरा छेर मरदिन छेर छेरा और माई कोठी मतलब सर मुख्य कोठी मुख्य जो मेन कोठी रहते जो कभी अकाल या ये सब में वो सहायता प्रदान करते वो कोठी से धाला निकाल के देना है और यही धाला पर उमन क्या करते सर में अनुशासन भी दिखते सर बिल्कुल, और बिल्कुल। एकता भी कैसे दिखते कि यही जो धान ला निकाल के उमन मिल के पकाते और एक जगह मस्त बैठ के पुन्नी के जारा में बैठ के खाते। पुन्नी के मतलब ये होते सर जब चंद्रमा और चांद अपन पूरा 16 कला से लिप्त होकर सबसे बड़े आकार के दिखते हुए पुन्नी के बिल्कुल मतलब सर पूज पुन्नी भी काफी ज्यादा महत्व है ना महत्व रहते सर पूर्णिमा के तो ऐसे महत्व रहते और खासकर आज के दिन के बहुत ज्यादा महत्व रहते। असल में कुछ दिन पहले जब ये सौभाग्य के बात है कि जो सीएम साहब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सर पहली बार छेड़छेड़ा के दिन जो ऑफिशियल छुट्टी के घोषणा करी तो वो दिन सर कहा हुई से मैं टीवी में देखा था कि मरार समाज के मरार समाज के बहुत बड़े सम्मेलन हुई सरायपुर में जब मांग करेगी इसकी छेड़छेड़ा में छुट्टी होना चाहिए। अच्छा, सर वही दिन जो एक साकंबरी जयंती भी मनाया जाते है तो सर मैं यहाँ
आपसे निवेदन करो की हमारे जितना स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे बताओ सर शाकंभरी जयंती होते का। अच्छा तो जैसे शाकंभरी जयंती सर हमारे में भी पढ़े हैं कि शाकंभरी योजना भी सरकार ला रही है ना, तो बिल्कुल किसान मन भर हरे है। और मेन अगर मैं बात करूँ तो पौराणिक मान्यता से संबंधित है कि वो टाइम का है शंकर भगवान है जब धरती में निवास करत गई सोई या फिर कैलाश में ही सोई, तो यहाँ की जो धरती के लोगन मन है वो मन है बहुत ज्यादा मतलब भूखमरी के शिकार होना पड़ी से, पूरा धरती में अन्न दाना पानी सब बिल्कुल गायब हो गई से, सब एकदम मतलब त्राही त्राही हो गई से। तब शिव जी है आराधना करी से अन्नपूर्णा माता से हाथ जोड़ के विनती करी से कि आप हमारे ये जो पृथ्वी लोक के निवासी तेकर मन के जान की थोड़ा रक्षा करो। तो माता आई से सर शाकंभरी के रूप में। अब नाम लो सुन ना शाकंभरी तो साग मतलब साग भाजी। अब साग भाजी मतलब मरार। एकर से देखो हमारे जितना भी मान्यता है जितना भी हमारे पौराणिक कथा है कितना प्यार एक दूसरे से मतलब रिलेटेड है जुड़े हुए, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं भी जोड़ दे ऐसे नहीं है, एकदम एक दूसरे से कनेक्टेड है लिंक्ड है। एक खासियत है सर हमारे संस्कृति के, हमारे भारतीय संस्कृति बोलो चाहे हमारे छत्तीसगढ़ी संस्कृति बोलो, एक खासियत है। तो शिव जिला खुश होकर वरदान देते हैं और बोलते कि ठीक है जितना जन माई पिला है जितना जन सबो है ओ मल्ला अब भाई अच्छे से रहे बढ़िया से है ना। अन्न के तसर एकर से एक चीज सीखे मिलते अन्न ला ओकर अपमान नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते है ना कि उतना लो थाली में व्यर्थ ना जाए नाली में। ये चीज भी हमें सीखना चाहिए कि भैया अन्न के अपमान नहीं करना जितना हम मतलब काबर कतनों जन इसे इंसान है कतनों जन इसे दुनिया में इतना जन है कि भूखमरी के शिकार होल पड़ते हमारे देश लो देख ले सर अभी कहां हंगर इंडेक्स में कितना है ना थोड़ा से बैठ है सर, खासकर अन्नपूर्णा देवी जे, के जो देश में देश अरे हाँ, हाँ, जे जे हमन यहाँ मानथन हमन पूजा करथन भाई धान के हमन अन्न के है ना। तो मोर हिसाब से सबो झनला ये चीज के ज्ञान रहना चाहिए और सबो झनला एकर थोड़ा से समझना चाहिए। तो सर एकर बारे में कुछ बताना चाहो कुछ जानकारी देना चाहो आज के त्योहार के बारे में। सर आज के त्योहार के बारे में यही है कि सर इला बहुत ज्यादा उत्साह से मनाए के जरूरत है, काबर सर छत्तीसगढ़ के जो पहचान है सर उसका सबसे बड़े हिस्सा है संस्कृति। संस्कृति जितना फेस्टिवल चाहे हरेली हो कोला हो छेरछेरा होला सरकार द्वारा तो मनाया जाए और हमन जैसे हमन स्टूडियो में हमन स्टूडियो में एंजॉय करा था सर। बिल्कुल मतलब स्टूडियो से मोला याद है इसे मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगा हमारे जो हेड है गुरुपाल सर वो हमला बोलीस कि भाई छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाना है। तो सर ले एकदम सराहिदय धन्यवाद है काबर जितना भी सब होते तो हमेशा प्रमोट करते पहले से बोलते कि यार तुमन काबर नहीं बना ऐसे स्टेप से। तो बहुत अच्छा बात है हमारे कि हमारे भैया ऐसे हमारे मन के जो गुरु है जो है वे। और मैं आप सब जन से रिक्वेस्ट करता हूँ जैसे कि सर बताई से कि कोई भी संस्कृति के जो वाहक है वाहक मतलब जे ले जाते वो कर भाखा होते भाखा मतलब जे भाषा में बोले जाते। अब हमन जो आपसे बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ी में मतलब छत्तीसगढ़ी संस्कृति बचाए रखने तो छत्तीसगढ़ी भाषा ला भी बराबर सम्मान दे पड़ी है ना। तो ये छत्तीसगढ़ के आज के त्योहार के एकर छिड़छरा पुन्नी के संदर्भ में मैं अखिले सर आप मतलब बताए हैं और उम्मीद करथन कि आप मतलब ये जानकारी बहुत अच्छा लगी सोही। और कुछ एकर से रिलेटेड या और कोई भी छत्तीसगढ़ के त्यौहार से संबंधित या कुछ भी जानकारी आती है सर तो पढ़ाते तो हम मतलब कमेंट सेक्शन में जरूर बताऊ और जुड़े रहू हमारे चैनल ला और सब्सक्राइब करना जान बोलो है ना। तो हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद जय जोहार जय छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया।